नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अब वह समय आ गया है जब देश में आवाज उठी है कि इजराइल से इम्यूनेशन के साथ नेशनलिज्म भी इंपोर्ट किया जाए। एलिस पर 2 महीने गुजर जाने के बाद भी बातचीत का दौर जारी है। अगर कूटनीति में बातचीत का इतना ही महत्व है तो बालाकोट में मिराज उड़ाने की क्या आवश्यकता थी? कूटनीति का यह पैराग्राफ तो यहां भी लागू होना चाहिए था। अगर भारत चीन एटमी ताकत है तो पाकिस्तान के पास भी यह पावर मौजूद थी, पर इस मामले में पाकिस्तान का यह दिख साहसी निकला। बालाकोट हुआ तो पाकिस्तान ने अपनी बहादुरी का परिचय 24 घंटे में दे दिया, यह जानते हुए भी कि वह भारत के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता है, मगर अपनी जनता का मनोबल बनाए रखने के लिए उसने कोशिश जरूर की। 24 घंटे के भीतर ही उसने F-16 उड़ाकर दिखा दिए। उसके जवाब में मोदी सरकार ने क्या किया, उसका आकलन आज जरूर सवालों के घेरे में आ रहा है। MiG-29 विमान गंवाने के बाद भी यह जीत का जश्न मनाया गया। उनका F-16 गिरा होगा, पर उससे आगे यह सरकार नहीं जा पाई। एक अभिनंदन के लिए इतना गुंजन हुआ, पर 20 जवानों के लिए आत्मचिंतन भी नहीं हुआ। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान जैसा फिसड्डी मुल्क, जिसकी सेना दुनिया में 15वें नंबर पर आती है, वह दुनिया की 4थे नंबर की सेना से 24 घंटे में ही टकराने आ जाता है। मगर भारतीय सेना से एक नंबर ऊपर रहने वाली पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को जवाब लातों से नहीं बातों से दिया जा रहा है। इस मामले में पाकिस्तान यकीनन भारत से कहीं बेहतर माना जाएगा, वह भी तब जबकि भारत के प्रधानमंत्री देश की भावनाओं को समझते हैं। भारत की पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियां जो कल गलत लगती थी, आज महसूस होता है कि भारत की यही राष्ट्र नीति है। अगर भारत का सहयोगी इजराइल भी इसी नीति को अंगीकार करके बढ़ता तो आज वहां आतताई मुस्लिमों का शासन होता। इसलिए कहा है कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाने का मन है तो इजराइल से राष्ट्रवाद के आयात का ऑर्डर दे दीजिए, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की बकवास के चक्कर में यह मुल्क अपना ही घर नहीं बचा पा रहा है। यह इस देश के राजनेताओं का DNA है जो शांति के गुणसूत्रों में ही सिमटा है। देश का PM देश के NSA को 2 घंटे कमरे में बंद करके चीन को मनाने का आदेश देता है। इधर से वीडियो कॉल होती है, चीनी विदेश मंत्री को कहा जाता है अपनी जगह पर वापस लौट जाइए। यानी बातचीत की खुजली राजनेताओं के गुणसूत्र का भी हिस्सा बन चुकी है। सेना के बड़े अफसर वातानुकूलित गाड़ियों में घूम रहे हैं और हमारे भाई वहां सरहद पर गर्मी सर्दी और आंधी थपेड़ों में देश के लिए मर मिटने को तैयार है। मतलब शहीद होने का जिन्हें डर है वह शांति पूजक बन गए हैं। अगर जंग से इतना ही डर है तो अगली बार से सैन्य बजट जैसा कोई शब्द देश के बजट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि शक होता है कि ऐसे बजट देश की रक्षा के लिए नहीं होकर कुछ लोगों के कंगूरे खड़े करने के काम आ रहे हैं। 21 दिन गुजर जाने के बाद भी सरकार चाइना का एक बाल नहीं उखाड़ पाई, वह भी तब है जबकि पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अगर आज पाकिस्तान जैसे मुल्क को यह अवसर मिल जाता, वह भारत पर चढ़ाई में हफ्ता भर भी नहीं लगाता। मजे की बात यह है कि 2 मई को चीन ने नो मैन्स लैंड में घुसपैठ की, भारत की सरकार ने गांधीवाद का ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। उधर चसूल और मोल्डो में चाय की चुस्कियां ली जाती रही, इधर PLA ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। बाद में लेह से सिक्किम और अरुणाचल तक हवाई जहाज का तेल फूंक कर जनता को रिझाया जा रहा है। सेना के अफसर अपने कमरे का तापमान 16 डिग्री से भी नीचे लाने की कोशिश में लगे हैं। सवाल सेना पर नहीं होना चाहिए, असली सैनिक वही है जो अग्रिम मोर्चे पर अपनी जान दे देते हैं। बड़े अफसरों का तो बाल भी बाका नहीं होता है, यही अधिकारी कभी जंग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनता के टैक्स से जो बड़े बड़े बंगले मोटी मोटी तनख्वाहें और सुख सुविधाएं मिली है उनके मटिया मेट हो जाने का डर भी है। रूस इजराइल और अमेरिका से आज अरबों डॉलर के हथियारों की खरीदारी शुरू कर दी गई है। यानी अभी तक सरकार और सेना सोए पड़ी थी। सेना के इन अफसरों को यही आभास नहीं था कि देश की रक्षा जरूरतों में क्या खामी है, पर यह चौंकाने वाली बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि आज से 6 महीने पूर्व हमें जो हथियार 100 रुपए का मिलना था, आज वह 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। भारत ने 30 प्रेडेटर बी ड्रोन अमेरिका से खरीदने का फैसला लिया है, जिसके लिए $4 बिलियन का सौदा किया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी रकम होती है, परंतु 6 महीने पहले कॉम्प्रोमाइज करके इस सौदे में काफी रकम बचाई जा सकती थी। इसका मतलब यह है कि इस देश का तंत्र आज भी निंद्रासन कर रहा है। कोई इन सौदागरों से जरूर पूछ सकता है कि अब से पहले इनकी आंखें क्यों नहीं खुली थी। जब किसी सेनापति का सैनिक शहीद हो जाते हैं और वह सेनापति शांति का गान करने लगता है, तो सैनिक अपनी वीरता को भूलने लगते हैं। इससे केवल सैनिक ही कमजोर नहीं होते, उस देश की जनता भी हतोत्साहित होती है।
और जिस देश के सेनापति इसराइल जैसे देश के नेता हो उसके सैनिकों के समक्ष हर कोई नहीं ठहरता है। यही वजह है कि एक छोटा सा देश इसराइल अपने चारों तरफ के शत्रुओं की नाक में दम कर देता है। या तो हालत यह है कि नेपाल जैसा गरीब मुल्क आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ के 8 जवानों को शहीद कर देता है, पाकिस्तान रोजाना भारत सीमा पर गोले दाग रहा है, सेना को आज याद आ रहा है कि उसे किन किन हथियारों की जरूरत है, यानी बातचीत और खरीदारी दोनों चल रही है। एक में नेताओं का फायदा है, दूसरे में अफसरों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जनता के हाथ में बचेगा तो बस देशभक्ति का घंटा, जिसे मेरे जैसे लोग चैनल पर आकर सुबह शाम बजा ही देते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।